नीलू हाय कुकुया। हाय क्या कर रही है? जा रही हूँ मैम। जा रही है कहाँ? इंडिया से बाहर। क्या ऐसे अचानक? किसी काम से जा रही है? नहीं नीलू, अपने आप को ढूंढने। पता नहीं कुकु कहाँ खो गई है। अपने आप को संभालने जा रही हूँ, सबसे दूर, शहर से दूर। हाँ लेकिन ऐसे अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया तूने? कई दिनों से मेरे मन में एक पावर था, उसे निकालने जा रही हूँ। प्लीज मुझे रोकना मत। मेरे जाने के बाद किटी हुई या तुम लोगों को मेरी याद आई तो मैं वापस आ जाऊंगी। आखिर तुम लोग के बगैर मेरा है ही कौन? ठीक है नहीं रोकूंगी तुझे, जहां तेरा मन करे वहां जा, जहां तुझे अच्छा लगे। बस अपना ख्याल रखना और बीच बीच में फोन करती रहना। ओके बाय बाय। अरे मैगजीन को छोड़ो बिंदु, अब तो लोग बातें करने लगे हैं। बातें? तुम्हें नहीं पता कि हमारी टीना इतनी बड़ी कलाकार है, वो जो भी करेगी हल्ला मजा कर करेगी। हाँ और निर्लज होकर, देखा नहीं कैसे बनठन के जाती थी उससे रास्ते मिलने के लिए। कम कपड़े पहनने का तो हमारी देवरानी को शुरू से ही बहुत शौक था, इसमें कोई नई बात है क्या? हाँ और अब तो ससुराल का डर भी नहीं रहा। तो पहले कभी था क्या? अच्छा ये बताओ ये सिराज कैसा है? सिराज? हाँ। अरे उसका क्या है, जब तुम पर कोई औरत रात दिन गिरी चली जाएगी तो कभी ना कभी तो हार मानोगे ना? तो सिराज ने हार मानी कि नहीं? अब वो हार माने या ना माने, लेकिन सबकी जबान पर एक ही इश्क का चर्चा है और वो है टीना और सिराज। सच बिंदु, कभी कभी तो मुझे भी शर्म आ जाती है, लेकिन ये औरत जब देखो सिराज के होटल के कमरे में, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन कोई दोनों की फोटो ले लेगा साथ में। वो भी सिराज की बाहों में और उसी के कमरे में, तब आएगा मजा। अच्छा अच्छा, प्रेस वालों के पास मसाले की कमी नहीं रहेगी। एक तरह से टीना समाज सेवा कर रही है और ये सेवा रात भर चलती है। रात भर? क्या मतलब? यही कि सिराज के होटल के कमरे से उसे कई बार सुबह सुबह निकलते हुए देखा गया। अब देखो इस लाइन का काम रात में ही होता है, वो तो हम ही बेवकूफ हैं कि सारी रात सोने में गवा देते हैं। कैसी बेवकूफ,